थोड़ा सा कॉम्फर्ट का जरूरत है, मेडिसिन को लगा दिया और कल थोड़ा सा लाइट एंटीबायोटिक अगर कुछ होगा अभी ये अपना हिसाब से थोड़ा बहुत बना लेंगे। एनिमल्स का फील समझना चाहिए, ये अभी क्या चाह रहा है, कहाँ इसको कॉम्फर्ट मिलेगा, ये लोग तो बोल नहीं सकते ना। बहुत कोशिश किया था कि ये पुराना जो घर था यहाँ इसको रखने के लिए, लेकिन फाइनली हाल इतना खराब था कि ऐसे मतलब एक दो हथौड़ी मारने के बाद ऐसे पूरा टूट के गिरा। तो मतलब पूरा नहीं गिरा था, ऐसे ही थोड़ा बहुत मतलब हाल देख के पता चल गया था कि ये रहने वाला नहीं है। तो इसी के लिए मतलब हथौड़ी 3-4 घंटे के अंदर मतलब हालत बहुत खराब है, ऐसे हथौड़ी मारने से ना पूरा रॉड ऐसे निकल के पूरा गिर गया है। तो फिर से इसको और एक बार करना होगा। अभी बिल्कुल भी कोई भी इच्छा नहीं था क्योंकि फंडिंग को देख के हमको चलना पड़ता है, क्या करें मतलब करना ही पड़ा, नहीं तो मतलब गलत हो सकता था बहुत बड़ा कुछ, मतलब ऐसे गिरेगा पूरा। ऐसे सोचा था कि पहले यहाँ से मतलब पुराना जो घर था वो रह जाएगा, बाहर का ऐसे सेट बना के ऐसे कुछ करने के लिए ये भी रेडी कर लिया था, लेकिन जब काम करने के लिए गया तभी पता चला कि एकदम हालत बहुत बुरा है, कभी भी गिर सकता है। तो पूरा ऊपर जो टाली छाया हुआ था पूरा नीचे उतार के प्लास्टर छुड़ा के फिर से प्लास्टर करेंगे, हाँ तो हो जाएगा ऐसे सोचा था। लेकिन जब हथौड़ी लगाया देखा कि नहीं पॉसिबल नहीं है, इसी के लिए पूरा तोड़ना पड़ा, फिर से इसको नया बनाना पड़ेगा। काम तो चल ही रहा है और सोचा था कि पहले मतलब एनिमल्स के लिए सब रेडी करेंगे, उसके बाद मतलब 1-2 साल के बाद धीरे धीरे रहने का घर बनाएंगे, यहाँ टेम्परेरली ऐसे कुछ कर लेंगे कि 1-4 साल के लिए मतलब रह पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हाल हुआ सबसे पहले तो इसको ही करना होगा, नहीं तो मतलब रहने का जगह नहीं होगा, तो इतना सारा एनिमल्स का केयरिंग के लिए कुछ तो ऐसे होना चाहिए। और उसी के साथ वो जो हम लोग का ब्लैक स्वान था उसका पैर में शायद कुछ चोट लगा, मतलब पकड़ के लेके गया है अंदर। वो तो पानी में पूरा दिन पानी में रहता है और शाम के टाइम अकेले चला जाता है, आज उठ नहीं रहा था तो उसको पकड़ के अंदर लेके गया तो देखा कि पैर में थोड़ा सा कट गया है, मतलब तालाब में या कैसे करके क्या हुआ पता नहीं, थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट होता है बेसिक बेटाडाइन लोशन से अच्छे से साफ करके टी वैक्स लगाना, तो उसी के लिए लेके आए हैं। एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था, जब उसको पकड़ के अंदर लेके आए तो पता चला कि पैर में दर्द है, ऐसे एक पैर हल्का हल्का थपा रहा था, तो जब पकड़ के देखा तो लेकिन इसको 2-4 दिन के लिए यहाँ ही रखा पानी में, थोड़ा सा तो दर्द होगा, दिखाओ तो ये ऐसे पूरा कंधों पे तपंदा का कंधों पे ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, फट फट डालिए तो थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा, अगर ऐसे थोड़ा बहुत सहरा है, बिल्कुल भी कोई आवाज बिल्कुल भी थोड़ा सा भी छटपटा नहीं रहा है, दर्द तो बहुत हो रहा है। क्या है क्या ये टीबेट काटा हुआ घाव के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है रहने दो, 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाए। दादा आस्ते से छोड़िए तो बस 2-3 दिन इसे बाहर छोड़िएगा मैं, ठीक है ना। हाँ। और यहाँ एक बड़ा सा एक बाउल में पानी देके रखिएगा और ये घर पूरा एक बार साफ सुथरा कर लीजिएगा। पूरा दिन पानी में तैर रहा था, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन जब ऊपर आया तभी पता चला कि हाँ पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज्यादा ऐसे कुछ हुआ नहीं है, 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ा सा कट गया है।
एक्चुअली गलती हम लोगों का है कि इसका सही एकोमोडेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ से चढ़ के मतलब चल के और ये रास्ता अभी उतना सही नहीं है, तो इसी के लिए रास्ते का खराबी हो सकता है, या पानी के अंदर जो रहते हैं ना हम लोग, तो हामुक गड़ा बेंगली में यही कहते हैं, तो उसके कारण भी ऐसे हो सकता है। सर जो होना चाहिए वैसे ही करेंगे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? थोड़ा सा कंफर्ट का जरूरत है, सर्दी का मौसम है और पानी में रहने वाला है, मेडिसिन तो लगा दिया और कल थोड़ा सा लाइट एंटीबायोटिक अगर कुछ होगा तो फिलहाल इनको थोड़ा सा कंफर्ट भी रहने के लिए ऐसे बंद रखना। अभी ये अपना हिसाब से थोड़ा बहुत बना लेंगे, ठीक है ना? तो जो लगाना था वो मतलब फास्ट ट्रीटमेंट वो तो कर दिया है, और अभी थोड़ा सा लाइट एंटीबायोटिक करता हूँ, बहुत जल्दी एकदम ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन 5 दिन ऐसा रहेगा, मतलब पानी लग जाएगा ना तो कीचड़ और पानी लगने से वो इन्फेक्शन मतलब ज़्यादा दिन तक और भी ज़्यादा हो सकता है, ऊपर रहेगा तो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। अभी आराम से रहो। तो उम्मीद करता हूँ आगे जाकर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो सारे फ्रेंड्स हैं तो उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर होगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब यूट्यूब में हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। देखो आराम से सो रहा है। ये बहुत जरूरत था, ये जो स्ट्रॉ ले आके ऐसे करके किया ना, ये जरूरत था। एनिमल्स का फील समझना चाहिए, ये अभी क्या चाह रहा है, कहाँ इसको कंफर्ट मिलेगा, ये लोग तो बोल नहीं सकते ना, तो इसी के लिए इन लोगों का फील को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन लोगों का फील समझ पाएंगे कोई भी एनिमल्स का, तो उतना अच्छा आप उन लोगों का केयर कर पाएंगे।